हेलो गाइस, दिस इज़ योर अफसाना एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर से लेके आए एक न्यू वीडियो। तो आज हम आए नेहरू प्लेस में, आए अमृतसरी फूड एक्सप्रेस में। तो यहाँ पे क्यूट से कपल है जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और इनकी स्टोरी सुनते हैं। सो ये हमारे क्यूट से कपल, ये जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड। तो मैम, आज आप हमें क्या खिलाएंगे और यहाँ पे क्या फेमस है? एक्चुअली हमारा जो बेसिकली फेमस है वो है अमृतसरी तंदूरी कुलचा। उसको हम स्टफिंग के साथ तंदूर में रेडी करते हैं। स्टफिंग आप पे डिपेंड करती है कस्टमर पे, किसी को आलू पसंद है, कोई आलू प्याज लेता है। उसको उसका मैदा, वो मैदे का नहीं होता है, सूजी अगर आटे का मिक्स होता है, उसके जो डो के अंदर उस स्टफिंग को फिल करने के बाद उसे तंदूर में 5 मिनट के सेकने के बाद आपको छोले के साथ सर्व किया जाता है, छोले विद सैलेड चटनी। कस्टमर वेरी लाइक करते हैं और नेहरू प्लेस में एक नया आइटम भी है ये। उसके अलावा हमारे पास राइस कॉम्बो हैं, आपको राजमा राइस, शाही राइस, मटर पनीर राइस और ऐसे कॉम्बोज हैं हमारे। तंदूरी रोटी, तवा रोटी, लच्छे परांठा, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी बेसिकली फैमिली के साथ आते हैं लोग जनरली, तो तंदूर के आइटम ही पसंद करते हैं, लाइक लच्छा हो, बटर नान हो, तो हम लोग वो सब भी सर्व करते हैं। उसके अलावा बेसिकली कम रेट में और अच्छी है हमारी थाली 150 रुपीज़ की, जिसमें आपको 3 वेजिटेबल के साथ इन पनीर की एक सब्जी मिलेगी, लच्छा पराठा मिलेगा, एक बटर नान मिलेगा आपको, स्वीट के साथ पापड़ और रायता मिलेगा आपको साथ में, जस्ट फॉर 150 ओनली। और ये हमारी स्पेशल चीज़ थी। उसके अलावा हमारा जो डीलिंग करने का पर्पस है कस्टमर से बाय ओन है, पर्सनली हम लोग खुद डील करते हैं कस्टमर्स को उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। आप हमारे पे की 100 रुपये की थाली लोगे तो हमें, आप उसके सब्जी एक्स्ट्रा लोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक सेटिस्फेक्शन, आपका स्टमक बिल्कुल सेटिस्फाइड फुल होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे आके अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। हाँ, आप खा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 100 में जितना थाली में उतना, ऐसा नहीं है, आप और भी ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि फूड वेस्ट ना हो। ओके। और जो वेस्टेज की जगह की वो खाना हम किसी और गरीब को दे सकें, इसलिए हम फूड को वेस्ट करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। कस्टमर से भी हम यही कहते हैं कि आप और ले लीजिए, आपको कम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कम मिल रहा है, आप जब मर्जी आइए, ऐसा मर्जी आइए, बाकी आप खुद भी टेस्ट करके देखिएगा कैसा टेस्ट लग रहा है आपको। तो चलिए हम भी मेकिंग देखते हैं अपने। ये पनीर हो गया, ये भैया हमारे इसमें सब इंग्रेडिएंट इन्होंने डाल दिए हैं, ये आलू, पनीर और प्याज। ये हमारी स्टफिंग इसके अंदर फिल कर दिया है इन्होंने। भैया ये मैदा का है? मैदा है, मैदा है, मैदा सूजी सब होता है। इसमें मैदा होता है, सूजी होता है बस। तो भैया इसमें मैदा और सूजी मिलाते हैं और ये हमारा चला गया है इसके अंदर बेक कोने को। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और भी वैरायटी मिल सकते हैं, आपको आप आए तो यहाँ पे आप भर पेट ना खाना खा सकते हैं। और इनका मेरे को ये अच्छा लगा है कि वेस्ट फूड वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। लच्छे रोटी के अलावा आपको लच्छा पराठा मिलेगा, आपको बटर नान, प्लेन नान मिलेगा। और तंदूर के आइटम अगर आप चाहो तो आपको सिर्फ आलू की स्टफिंग चाहिए तो आलू नान, पनीर नान, अलग अलग तरह की आलू जिसको हम छोले के साथ सर्व करते हैं। कस्टमर बहुत लाइक करते हैं उस चीज़ को। बाकी कुछ कस्टमर होते हैं उनको छोले नहीं पसंद है, तो वो कैन ऑफर विद द राजमा, आप दाल, आपका ऑप्शन आप कुछ भी ले सकते हैं। ये इन्होंने तंदूर में से निकाल दिया है और ये हमारी अब प्लेट रेडी करेंगे। ये हमारा मिक्स कुलचा बन गया है, ये देखिए इन्होंने इसके ऊपर बटर डाल दिया है। हाय कितना डिलीशियस लग रहा है, तो मेरे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है, इसके साथ है ये हमारे मिक्स कुलचा आ गया है और ये हमारे यहाँ पे प्याज, खीरा एंड ये हमारा अचार भी है और साथ में हमें छोले भी है। तो आइए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आप स्टफिंग देख सकते हैं, पनीर मिक्स है पूरा का पूरा, प्याज भी है, सब है और
टेस्ट करके बताते हैं आपको हम कैसा है ये। और ये हमारे छोले, इसकी ग्रेवी भी बहुत थिक भी नहीं है बट खाने के हिसाब से बहुत ही सही है। खाने में भी बहुत अच्छा है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए इन्होंने इतना स्टफिंग इसके अंदर भरा हुआ है। नेहरू प्लेस आए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, देख सकते हैं आप ये छोले। इनका ग्रेवी इतना थिक भी नहीं है, मसाला भी इसमें मीडियम है। और ये हमारा अचार है, साथ में हमें सैलेड भी दिया है और ऊपर इसके ग्रीन चिली सॉस भी डाला हुआ है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इंसान आके पेट भर के खाना खा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी वैरायटी है, आप आए तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये मेन्यू भी दिखा दूँ। बट एक चीज़ है, यहाँ पे आके प्लीज़ खाना वेस्ट मत कीजिएगा। जितना आपको खाना हो आप उतना ही लीजिए। तो हमें यहाँ पे दो क्यूट सी लड़कियाँ दिखी है, तो हम इनसे इनके रिव्यूज़ देखते हैं। तो हेलो मैम। हाय। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कालका जी से। कालका जी से इतने दूर, मतलब आप यहाँ पे डेली आते हैं? डेली नहीं बट हाँ ऑफन। अच्छा, तो आपका यहाँ पे एक फेवरेट क्या है? यहाँ पर कुलचा, जनरली हम कुलचा ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि हमारा ऑफिस यहीं है, तो इट्स अ कंप्लीट मील सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मतलब यहाँ पे आपको अच्छी बात क्या लगती है इनके फूड में? मतलब सही है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फिल्ड अप मटेरियल होता है और छोले अच्छे हैं, सैलड वगैरह देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्यूट सी छोटी सी फैमिली दिखी है जो यहाँ पे खाना खाने आई है, तो इनसे भी इनका जानते हैं कि इनको यहाँ पे कैसा लगा है। हेलो सर। हाय सर, आप आज पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा लगा है, तो दोबारा आएंगे यहाँ पे जब मौका मिलेगा आएंगे। तो मतलब कितना रेटिंग देंगे आप इनके फूड को? फूड को 9 out of 10। हमें यहाँ पे एक और कस्टमर मिला है इनका, तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको यहाँ का खाना कैसा लगा। हेलो सर। हेलो। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 years। 2 years। तो आपको यहाँ पे मतलब आपका फेवरेट डिश क्या है? खाली खाते हैं पनीर राजमा आलू पराठा। मतलब यहाँ की आपकी क्या क्वालिटी अच्छी लगती है? सारी क्वालिटी अच्छी है। ओके, आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस चैनल, मतलब इस फूड को? 100। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ की थाली भी ट्राई की जो हमारी 80 rupees की थी और हमने भरपेट खा भी लिया है और यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ भी हमने ले लिए, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं खा रहे हैं। और इनकी बहुत अच्छी बात लगी कि खाना वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ बिल्कुल भी। तो इसी के साथ, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर नेहरू प्लेस की मेन मार्केट में ही है इनका अमृतसरी एक्सप्रेस फूड है, और अगर आप आए तो एक बार यहाँ पे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इसके साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।